देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कानपुर देहात जनपद के झींझक के मंगलपुर थाना क्षेत्र के बुधनगर निवासी वकार अहमद पुत्र मुस्ताक की शादी अहमदपुर रौनी निवासी खुशबू के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों के बीच मनमुटाव होने की वजह से दहेज एक्ट का मुकदमा चल रहा था। बुधवार को वकार अपनी बहन हीना के साथ एसपी दफ्तर बयान दर्ज कराने के लिए आया था। बयान दर्ज कराकर वापस जाते समय ससुर एक लाख, चचिया ससुर इंतजार अली, साला इंजमाम निन्ना अली ने परिजनों के साथ घेर लिया। गाली गलौज करने के साथ पुलिस के सामने ही पिटाई शुरू कर दी। पुलिस का डंडा छीन कर जमकर पीटा। मारपीट में वकार को गंभीर चोटें आईं। घायल ने लूटपाट करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मारपीट करने वाले दो लोगों को हिरासत में ले लिया है। एसपी प्रशांत वर्मा ने बताया कि मारपीट करने वाले रिश्तेदार हैं, रिश्ते में जीजा साले हैं। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। क्या नाम है आपका? हमारा खुशबू नाम है भैया। खुशबू, क्या हुआ है आज? आज ये हुआ है कि हमारा पति, हमारी ननद, ये लोग सीओ ऑफिस से जा रहे थे। हम अपने मोबाइल में रिचार्ज दवा लेने, हम भी गए थे दवा लेके आ रहे, हम अपने मोबाइल में रिचार्ज करवाने कन्नौज टेलीकॉम पे जा रहे थे। ये उधर से आया, दोनों आमने सामने हुए, दोनों मारपीट होने लगी। जब मारपीट होने लगी ये लोग, इन लोगों हमारे साथ मारपीट करी, फिर हम लोगों भी करी, ये भी दो थे, हम भी दो थे। और किस बात, वजह क्या है मारपीट? वजह ये है कि 3.5 साल पहले इन लोगों ने हमें घर से दहेज के लिए दो बार मार चुके, घर से निकाल चुके। माती में पहले मुकदमा जो दर्ज हुआ इन पे दहेज पड़ता और मारपीट का, तो इन्होंने हाथ पर जोड़ के हमसे सुलह करवा ली। फिर उसके बाद दो ही महीने बाद फिर इसने हमारे काटा, रातों काट लेता था, उंगली में सब नाखून निकल निकल। आपकी शादी किससे हुई थी? मेरी शादी बकार अहमद से हुई, जो घायल है। हाँ, जिसकी और ननद हीना और नंदोई सफीउद्दीन ने करवाई, इन्हीं लोगों ने हमें घर से निकलवाया। उसी की आज उस पे आए थे आप लोग, उसी की। ये लोग हमारे ऊपर, जब हमारी बेटी खत्म हो गई, ये लोग झूठा मुकदमा हमारे ऊपर लिखा गए, अपनी बेटी के गम में पड़े थे, हम लोगों ने देखा नहीं। हमारा भाई लखनऊ अस्पताल में भर्ती, हमें पता नहीं था ये लोग यहाँ आए क्या आए, धोखे में ये लोग मिल गए, ये गालियाँ देने लगा। तो दोनों लोगों को मारपीट, बोला ले तूने मेरा क्या करा लिया, देख कन्नौज में आए इतने मुकदमे दर्ज, मेरा कुछ नहीं हुआ, पुलिस कुछ नहीं करती, हम वकील है, हमारा कुछ नहीं होगा। एसपी ऑफिस आए थे, एसपी ऑफिस ये लोग आए थे, हम लोग रिचार्ज करवाने जा रहे थे, वही नुक्कड़ पे ब्रिज के नीचे आमने सामने हो गई, ये गालियाँ बकार देने लगा। तो इससे बकार आपका पति है? हमारा पति है बकार अहमद, एडवोकेट सना श्री मुस्ताक अहमद। मैं वार्ड नंबर 3 बुद्धनगर थाना मंगलपुर झिंझक कानपुर देहात का रहने वाला हूँ। मैं और मेरी बहन हिना समरीन अपने बयान दर्ज कराने पुलिस उपाधीक्षक नगर कन्नौज के यहाँ आया था। मैंने बयान दर्ज कराकर पुलिस सिक्योरिटी के साथ बाहर निकला तो ओवरब्रिज के पास सीओ ऑफिस से लगभग 100 मीटर दूरी पर मेरे साथ मेरे चचिया ससुर इंतजार अली और निन्ना अली और इखलास अली मेरे ससुर हैं, मेरा साला इंजमाम अली, असीमुल अली और सब लोग। कहाँ से आई हैं आप? जी क्या हुआ था यहाँ पर आज? मारपीट क्यों हुई, किसने मारा है? भैया मेरे भाई की शादी मेरी ससुराल में हुई है, इन लोगों ने खुद ही करी शादी अपनी। अब इसके मायके वाले कैसे मेरा समझौता तुम लोग करवाओ, तुम्हारा भाई है, इसी वजह से लोग मारपीट रहे, ससुराल वालों को रहने नहीं दे रहे। बोला हमारे घर में मारपीट की, अभी 3 तारीख को मारपीट की है, 13 तारीख को हमने FIR करी इनके नौ खिलाफ। अरे आज कहाँ पे SP दफ्तर काहे के लिए आए थे आप लोग? हमारे बयान होना थे सर। बयान होना था जी, बयान वजह से मैं बुलाया था। कहाँ के रहने वाले आप लोग? जी कानपुर तो ये लोग जिन्होंने मारा ये लोग कौन है? नहीं जिन्होंने मारा वो कौन लोग कौन है? मैं भाई के ससुराल ही हैं, इन लोगों ने शादी करी थी। क्या नाम उनका? बकार अहमद। कहाँ से हैं आप?
झींझा। ये बकार कहाँ के रहने वाले? मेरा भाई है झींझा का, मेरी शादी ही रौनी में हुई है। आपकी शादी रौनी में हुई? जी। ये जो जिनको मार रहे हैं ये कौन है? मेरा भाई है। अधिवक्ता भी है क्या? जी अधिवक्ता है। ये लड़ रहा है मुकदमा आपका? जी मेरा मुकदमा नहीं लड़ रहा है, मेरे भाई की शादी मेरे ससुराल में हुई है। जब मेरा भाई आता जाता, मेरी शादी 2006 में, इनकी शादी 2017 में हुई है। इनका लोगों का आना जाना, तब इसकी ये कंपनी भाई की मतलब मेरी शादी हुई, इसके बाद इसने 2-3 साल बाद इसने मुकदमा 2 साल बाद यहीं करा कोतवाली में, और फिर मुकदमा चल रहा है सर, उसमें बेचारा दी ना मुकदमा। और ये लोग कह रहे हैं कि हमारा समझौता करो, मैं ससुराल वालों को रहने नहीं दे रहे, ताला पड़ा हमारे घर में। समझौता किस बात को लेकर कराना चाहते हैं? मेरा समझौता करवा, मतलब तलाक लेंगे, हमारा समझौता तुम लोग करवा। कहाँ के हो आप लोग? हम लोग सर, हमारी शादी रोनी में ही हुई है, मेरा मैं का झिझक में है जब से सर। हम लोग एक दिन 3 तारीख को इन लोगों ने मारपीट मेरे घर में घुसकर करी। रिपोर्ट दर्ज कराई थी यहाँ पहले। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।